आलिया भट्ट ने महज 19 साल की उम्र में स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी सुपर हिट फिल्म देकर ये साबित कर दिया था कि वो इंडस्ट्री में लंबे समय तक राज करने के लिए आई है। उनका फिल्मों को सिलेक्ट करने का अंदाज काफी अलग है। अगर कहानी उन्हें पसंद आ जाती है तो वो तुरंत मेकर्स को हाँ कह देती हैं। वहीं कोई स्क्रिप्ट उनके दिल को नहीं छूती तो बड़े से बड़े एक्टर की फिल्म को करने से मना कर देती है। हम उन बड़ी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आलिया ने रिजेक्ट कर दिया था। शेरशाह। कियारा आडवाणी से पहले आलिया भट्ट को ये फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था। इसके पीछे उन्होंने डेट ना होने का हवाला दिया था। दर्शकों को ये फिल्म काफी पसंद आई थी। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल प्ले किया था। बेल बॉटम। अक्षय कुमार स्टारर बेल बॉटम को लोगों ने काफी पसंद किया था। इस फिल्म के लिए भी पहले आलिया भट्ट को अप्रोच किया गया था, लेकिन किसी वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी। बाद में ये फिल्म वाणी कपूर को मिल गई। साहू। बाहुबली के बाद हर एक्ट्रेस प्रभास के साथ काम करना चाहती थी, लेकिन आलिया ने साहू में काम करने से इनकार कर दिया था। मेकर्स ने इसके बाद श्रद्धा कपूर को फाइनल किया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी थी। नीरजा। नीरजा सोनम कपूर के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। बहुत कम ही लोग ये जानते होंगे कि इस फिल्म के लिए पहले आलिया भट्ट को चुना गया था, लेकिन किसी वजह से आलिया फिल्म का हिस्सा नहीं बन सकी थी। इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। गोलमाल अगेन। रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल अगेन आज भी लोग पसंद करते हैं। इस फिल्म के लिए पहले आलिया को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था।